ये x प्लस टू, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इनको एक ही तरफ ले आए, ये माइनस का यहाँ से खत्म होगा ना, यहाँ पे प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, तो ये 5 है, ये प्लस 3 हो जाएगा। तो ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, दो एब्सोल्यूट वैल्यू और सेम एक जैसी है, तो हम इसको लिख देंगे दो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे एक काउंट कर, यहाँ भी एक काउंट करूँगा आपके 1 प्लस 1, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है बोर्ड के हवाले से, इसमें थोड़ा गौर करें। एब्सोल्यूट वैल्यू हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू एक जैसी थी, हमने एक तरफ ले एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, हमने उनको जब एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास दो थी, हम यहाँ पे दो लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ पे खत्म करना है, सॉरी इसको एक तरफ करना है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस टू 8/2, ये 4 आ गया, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, अब हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई यूं, अब हमारे पास की उसी तरह हल सेट की मुमकिन दो सूरतें होंगी, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, उसका अब इसको जब फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2, ये आ जाएगी 2, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखें -4 -2, तो एक्स की वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है, अब इसको देखें बोर्ड के पेपर में अक्सर ये रिपीट हुआ है। अच्छा अब इसकी हम वेरिफिकेशन कर लें, वेरिफिकेशन में हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज इक्वल 2 हो, अगर हमारे पास एक्स 2 हो, तो हम उसी तरह जो इक्वेशन थी सोल्यूशन जो अपना सॉरी इक्वेशन थी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की वही लिखेंगे, क्योंकि चेक उसी में होता है, वेरिफिकेशन भी उसी में होती है। तो 5 इंटू एक्स प्लस 2, अब कीमत लिखेंगी एक्स की जगह 2, 2 माइनस 3 5 है, माइनस 2 जमा 2 लिख दें, देखें 2 2 4 हो गए, -3, अब ये आप इसको देखें 4 माइनस 3 ये 1 आ गया, इसको चेक कर दो ये 4 आ गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 5 में से 4 लेस कर दो 1, ये देखिए ये हमारे पास ओके आ रहा है। अब इसको चेक कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स इज इक्वल टू -6, ठीक है जी, हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू में इक्वेशन थी वो लिखते एक्स प्लस टू -3 5 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है जी, अब एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस का 6 रिप्लेस करना है, देखिए -6 प्लस 2 -3 5 माइनस -6 प्लस 2, ये हमारे पास -4 ये बचता है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारे पास -4 बचता है, तो ये 4 माइनस 3, तो ये देखें माइनस का तो प्लस में ये भी, तो यहाँ भी 1 आ गया हमारे पास, यहाँ भी 1 आ गया, तो हमारे पास साबित हो गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट कौन सा है, यही है दोनों 2 एंड -6, ये हमारा आंसर आ गया।